तो क्या आपको भी बाइनेंस में अंडर रिव्यू की प्रॉब्लम्स आ रही है? दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अभी नहीं आया ऑप्शन, ठीक है, अंडर रिव्यू के प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो आखिरकार दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अंडर रिव्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या चाहिए कि यहाँ पर आपका ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाए और आप जल्द से जल्द जो भी अगर हेमेस्टर के लिए दोस्तों आप KYC के लिए दोस्तों बना रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कैसे ठीक होगा। और आपको पता है कि दोस्तों इस समय हेमेस्टर का जो 26 सितंबर को ये लॉन्च होने वाला है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर जो लोग अकाउंट नहीं बना रहे थे हेमेस्टर का, वो भी उन्होंने अकाउंट बना लिया है। और बना लेने के साथ दोस्तों जिसका मेन मुद्दा जो है वो बाइनेंस एक्सचेंज दोस्तों यहाँ पर है, बाइनेंस एक्सचेंज जो है यहाँ पर, इसी में सभी लोग जो इसका एयर ड्रॉप लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों बाइनेंस का अकाउंट काफ़ी ज़्यादा क्रिएट किया जा रहा है, जिसके कारण दोस्तों इस एप्लीकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। अब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाने के कारण दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह का दिक्कत देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आप ट्राई कर सकते हैं, कभी भी ट्राई कर सकते हैं, ताकि आपको चेक करते रहना है, ठीक है। वैसे तो उसमें हमारा अकाउंट जो है 2 घंटे के अंदर क्रिएट हो चुका था, यानी सब पूरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सब कंप्लीट हो गया था, कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत देखने को नहीं मिली थी। लेकिन दोस्तों इस समय ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको एक ही के सहारे नहीं रहना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसमें ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और हो सकता है आगे और भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अगर ये वाले अभी आज तक अंडर रिव्यू देखने को मिल रहा है, तो आपको काम क्या करना है, आपके घर में भाई बहन मम्मी पापा जो भी होंगे तो उनके फोन से दोस्तों आपको अकाउंट बना लेना है बाइनेंस का, ठीक है। तो वहाँ पर उनका जो भी आइडेंटिफिकेशन करके वहाँ पर देख लेना है, तो उनके अकाउंट से आप बना लीजिएगा, तो उनका अकाउंट भी आप हेमेस्टर के अंदर KYC कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, उससे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिसके नाम से अकाउंट बनेगा उसी का बैंक अकाउंट भी लगेगा, ठीक है, ताकि तभी आपका जो भी पैसा है उसके अंदर जो विड्रॉल लिया जाएगा वो उनके अकाउंट में ही जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप अकाउंट किसी का और लगाएं और बैंक खाता अपना लगाएं, जो भी OPI है, तो दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों आपको जो है बैठना नहीं है, आपको ये अंडर रिव्यू की प्रॉब्लम नहीं देखना है। अगर आपको एक दिन से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आपको इसके बारे में ज़्यादा वो नहीं करना है, दूसरा कोई घर में हो तो उसके नाम से भी बना लीजिएगा और वहाँ पर KYC कर लीजिएगा। तो कुछ इधर उधर कर सकते हैं, बाकी इसको आप बार बार ट्राई करते रहें, हो सकता है ये प्रॉब्लम्स है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण दोस्तों यहाँ पर इस तरह का देखने को मिला है तो सोल्व हो जाए। लेकिन अगर ना सोल्व होती तो दोस्तों आपको ये काम कर लेना है उससे पहले, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है और टाइम थोड़ा बचा नहीं है, तो इससे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है और जो लोग हेमेस्टर को नहीं क्रिएट किए थे उन लोगों ने भी अकाउंट बना लिए हैं। बाकी दोस्तों इसका और कोई सॉल्यूशंस है नहीं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा।